यहाँ के नहीं थोड़े लोग बीजेपी के ऑफिस को भी जा रहे हैं, चंदू पाटिल से भी मिल रहे हैं। ये चंदू पाटिल वो शख्स है जो महबस की बाहर डांस करता है, डांस, और गाना क्या, खून से रंग देंगे, किसके खून से रंग देगा, मुसलमानों के खून से रंग देने वाले गाने पर तू नाचता है मस्जिदों के बाहर और मुस्लिम मोहल्लों में आकर के अपने आप को सेकुलर साबित करता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कायम हुआ, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, तेरा बाप का राज नहीं है, तेरे बाप का राज नहीं है, हिंदुस्तान में अगर किसी का राज है तो हिंदुस्तान के संविधान का राज है, बाबा साहब अंबेडकर का राज है, सनातन धर्म को स्थापन करना। छोटा मोदी बनेगा, छोटा मोदी, अरे छोटे, छोटा भीम देखा है तू डोरेमोन? यहाँ पर मुस्लिम चौक पे आया परसों, हाँ मुस्लिम चौक पर चार लोग लेके निकल रहे हैं, मैं डेवलपमेंट करता हूँ। अरे तेरी डेवलपमेंट की ऐसी की तैसे, पहले माफी मांग मुसलमानों से जिनके मस्जिद के बाहर तू ऐसे गाने लगा करके नाचा है, माफी मांग मुसलमानों से। गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान बनती थी, क्या बयान है तेरा, क्या बात है तेरी, हिंदुस्तान का मुसलमान को किसी गैर से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, कयामत तक मुसलमानों का रहेगा। आज मुझे तकलीफ होती है तो हनुमंत अलसंगी हमारे लिए आके खड़ा होता है, हमारे लिंगायत भाई हमारे लिए खड़े होते हैं, हम वो बराबर हैं, वो हमारे से बड़े भी नहीं, हम उनसे बड़े भी नहीं, ये हमारे इस्लाम की तारीख। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन, औलिया कराम की सरजमीन, शरण बसवेश्वर की सरजमीन कभी जात पात के नाम पर तकसीम नहीं हो सकती। इस मिट्टी पर हमेशा से सेक्युलरिज्म का बोलबाला रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको छोटे भीम के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है, डोरेमोन के लिए तैयार नहीं है। इत्तेहाद को कायम किया जाएगा, फिर से तारीख लिखी जाएगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी माएँ और बहनें जो यहाँ पर कसीर तादाद में बैठे हैं, आपको इस इलेक्शन की अहमियत का एहसास हो चुका है, आपको गुलबर्गा के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम करने के लिए, मुसलमानों को सर उठा करके जीने के लिए आपको मजबूती से काम करना है। पैसे बांटने के लिए आ रहे, नासिर के पास पैसे की जरूरत भी नहीं है, नासिर पैसे नहीं कमाया है मगर दो लोगों के दिलों में इज्जत को मोहब्बत कमाया है, इज्जत कमाया है, ये पैसे काम आने वाले हैं, आपको पैसे वाले काम आने वाले हैं, मिल्लत को कभी कभी काम आने वाले नहीं है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर मुसलमानों ने अपने खून से इस मुल्क को आजाद करने के लिए धरती को दंग नहीं दिया। एंटी कन्वर्जन कानून बनता है असेंबली में, बहस नहीं होती, हमारी बहनों के हिजाब के मामले पर जब बहस होती है असेंबली में, आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? अड़ंग का मामला, 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 10 हमारी बहनों को गिरफ्तार, माओं को गिरफ्तार, सुबह 4 बजे दरवाजे तोड़ करके हमारी माँ और बहनों को घसीट कर पुलिस स्टेशन लेके गया, जेल को लेके जा रहा है, क्या आपके दिलों को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? ऐलान करता है कि हम मस्जिदों के पर जा करके लाउड स्पीकर निकालेंगे, हनुमान चालीसा लगाएंगे, क्या आपको गुस्सा आया कि नहीं आया, बताइए मुझे। मेरी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूं, आपसे हमारी इज्जत है, आपसे हमारी पहचान है। खवातीन सियासत में होना चाहिए नहीं होना चाहिए बहस में नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं है,
इस्लाम ने हमको सिखाया है कि औरत के कदमों में जन्नत होती है, मेरी माँ के कदमों में मेरी जन्नत, मेरी बहन पे मुझे फख्र है कि वो तालीमें आपता है, हमारी बीवी के साथ किस तरह से रहना है उसने सुलूक के साथ, आज सियासत में हो इतनी मुश्किल, बीवी को देख के मुस्कुराने से सदका, ये हमारी पहचान है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी माओं की ताकत। और खसर जब भी इस्लाम को खतरा आया है, हमारी माँ और बहनों ने खड़े होकर के इस्लाम की हिफाजत करने का काम किया है। आज फख्र है हमें कि उस स्कूल की नौजवान बच्ची, आपको याद होगा मंडिया के अंदर मुस्कान नामी वो बच्ची जो आरएसएस के भेड़िए उस पर हमला करते हैं, तो एक छोटी सी बच्ची हमारी बहन नारायण तकबीर को बुलंद करते हुए उनका मुकाबला करती है। ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी माएं हैं। माँ और बहनों से मुझे कोई शिकायत नहीं, शिकायत जो बरसरे इक्तदार है उनकी खामोशी से है। शिकायत इस बात के है कि हालात जो मुसलसल तौर पर हम पे हमले हो रहे हैं, मुसलसल तौर पर हमको कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। हमको रोजगार की फिक्र नहीं है, हमको पैसे की फिक्र नहीं है। इलेक्शन में कितना पैसा कौन देगा, कितने दिन चलने वाले हैं पैसे, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, कितने पैसे होना हम महात्मा को, 10,000 रुपए आपको दिया जाएगा एक वोट के लिए, आपकी बेटी का हिजाब निकाल करके बाहर फिराना, आप हिजाब नहीं पहना, मंजूर है आपको, मंजूर है मां? आवाज जोर से बोलो, बोलिए, आवाज नहीं आ रही, पूरे गुलबर्गे की खवातीन कुटाना आवाज। 1 लाख रुपए देता हूं, 1 लाख रुपए अगर कोई देता है आपके मोहल्ले के मस्जिद पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर चल लगाएंगे, क्या आपको मंजूर है? मंजूर नहीं है, मंजूर है, मंजूर नहीं है। आज के हालात इलेक्शन नहीं है, ये तारीख है, यहां पर तारीख को दर्ज करना है, यहां पर हमारे वजूद को साबित करना है, हम जिंदा हैं, हमारे में गैरत है, हमें इज्जत से यहां पर जिंदगी गुजारना है, शान के साथ हमारी आगे आने वाली नस्लें गुलबर्गा शहर के अंदर सर उठाकर कारोबार करेंगे। हर मामले में तकलीफ, मगर जो जीते हुए हैं वो 4 से 5 गुत्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं, 5 गुत्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं। मार्केट के अंदर ठेला बंडी वालों को निकाला जाता है, 2-2 महीने तक बेरोजगार, सुपरमार्केट में कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स में 20 महीने से हमारे मुस्लिम ताजिर लाइट लगकर अंधेरे में कारोबार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के आजादी से पहले का मामला, और अब इलेक्शन में मुझे समझ में नहीं आ रहा किस हिम्मत के साथ, किस जुर्रत के साथ, किस यकीन के साथ आपके बीच वोट मांगने आ रहे हैं वो लोग। और दीजिए मैडम, बहुत अच्छी है, सीट बचेगी और तकसीम मत कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 5 साल हमने कमजोरी महसूस की है, मिल्लत डर के दुश्मनों के सामने लाचार महसूस किया है, ये इलेक्शन में निकलने वाले बारिश के मेंढक। मैंने आवामी बेदारी के प्रोग्राम में जो 40 दिन से शायद जो 4-4 घंटे में निकला हूं, उसी दौरान मैंने कहा कि इलेक्शन जब आएगा तो मार्केट से चंद लोग निकलेंगे, सीट बचाना है, मैडम को वोट नहीं डाले तो बीजेपी जीतती। शायद आपको याद होगा, याद है, ये लोग जो बारिश के मेंढक हैं, ये गरीब के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते। ये इलेक्शन गुलबर्गा शहर के तारीख का एक ऐसा इलेक्शन है, गुलबर्गा शहर का एक एक वोट की कीमत,
40 एमएलए के वोट की कीमत से जायद है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ा हूं। इन 5 साल की जो कमजोरी मिल्लत के सामने थी, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के आजादी के बाद से लेकर अब तक इतना कमजोर मुसलमान कभी महसूस नहीं किया है, कभी महसूस नहीं। कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात की पहली मीटिंग में डाइस पर तशरीफ कर्नाटका दलित सेना के सदर मेरे भाई हनुमंत जी अलसिंगी साहब, मेरे बड़े भाई जावेद बागवान साहब डाइस पर मौजूद, रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खलीफा नईम साहब, इस मोहल्ले के हरकियाती लीडर एक्स कॉरपोरेटर आजम पटेल साहब, डाइस पर मौजूद अफजाल महमूद साहब, उस्मान साहब, कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस को छोड़ करके जनता दल में शमूलियत हासिल करने वाले नौजवान साथी इनायत साहब, इमाम साहब और माजरत चाहता हूँ गुलबर्गा शहर के एक सीनियर सियासी पर्सनालिटी जिन्होंने गुलबर्गा कॉरपोरेशन में बहैसियत मेयर डिप्टी मेयर कॉरपोरेटर जिन्होंने गुलबर्गा की सियासत के उथल पुथल को देखा है, इस मोहल्ले में इस डाइस में मौजूद इकबाल शनी फरोज साहब, शाहीन खान साहब, अनवर साहब, तौफीक पटेल साहब, नैयर साहब, तमाम लोगों के नाम ले सकता हूं मगर वक्त की किल्लत, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन के दौर का नॉमिनेशन के बाद गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पहली मीटिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताला ने इस मीटिंग से पहले अपनी रहमत को बरसाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीटिंग को कैंसिल किया जाए, मीटिंग को कैंसिल किया जाए, मगर इस्लामाबाद के हमारे पार्टी के जिम्मेदार नौजवान साथियों ने कहा कि नासिर साहब अगर बारिश भी होती है तो आप आइए, हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैं उनके इस जज्बे को, उनकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले अल्लामा इकबाल का वो शेर जो सियासत को लेकर, सियासत के मायने बताने के लिए उन्होंने कहा था, सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, सुजात का, सबक फिर पढ़, सदाकत का,
अदालत का, सुजात का लिया जाएगा तुझसे काम कौमों की इमामत का। ये शेर अल्लामा इकबाल साहब ने सियासत किस तरह से की जाएगी, लीडर किस तरह से होना चाहिए, खयादत के माने क्या है, सियासत के माने क्या है, तमाम चीजों को इसी एक शेर में उन्होंने परवाया। मुझसे कबल हमारे साथियों ने, इकबाल साहब ने, यड़संगी साहब ने, मौलाना वकार अशरफी साहब ने, आदम पटेल साहब ने, आपके बीच बहुत सी ऐसी बातें रखी जो गुज़िश्ता 5 सालों में हमारे दरमियान हुए हैं। हर मामले में, हर इशू पर जो बरसर इक्तदार हैं उन खामोश रहे। एक तरफ जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो खामोश हैं, और दूसरी तरफ यड़संगी साहब ने कहा कि आज जो सियासी मंजर हिंदुस्तान में है, कर्नाटका में है, गुलबर्गा में है, वो मंजर ये है कि फासिस्ट ताकतें, कम्युनल ताकतें मुसलमानों को कमजोर बताना चाहती है, दलित भाइयों को कमजोर साबित करना चाहती है, पिछड़े हुए वर्गों को कमजोर साबित करना चाहती है। मुसलसिल तौर पर आप चाहे किसी अखबार को खोलिए, किसी टीवी चैनल के चैनल को आप पलट करके देखिए, मुसलसिल तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने की साजिशें हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ बात करना आज का एक निजाम बन चुका है, एक फैशन बन चुका है। हम खामोश हैं, हिकमत के नाम पे खामोश हैं। हमको पूछा जाता है कि साबित करो कि हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमानों को पूछा जाता है एनआरसी के जरिए, CAA के जरिए, हम मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान के इस आजादी के लिए सबसे पहले पहल अगर किसी ने की अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये हम मुसलमान हैं। सिराजुद्दौला हो तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर मुसलमानों ने अपने खून से इस मुल्क को आजाद करने के लिए धरती को तंग नहीं दिया, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर हमारे उलमा इकराम को शहादत नहीं दी हुई अंग्रेजों। आज हमसे पूछा जाता है, उसके बाद शहर में एहतजाज हुए, हिंदुस्तान भर में एहतजाज हुए, हमारे दलित भाई हमसे खंदा बा खंदा मिलाकर के लड़ाई में शामिल रहे। कर्नाटक में हुकूमत बीजेपी के आती है, हिजाब का मामला, हमारी बहनों को जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ती हैं, उनसे पूछा जाता है, उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं कि हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आए। एहतजाज होते हैं, सबसे पहले हिजाब के ताईद में अगर किसी ने बयान दिया है तो आपका भाई नासिर हुसैन उस्ताद है, देख लीजिए। एनआरसी के मामले में, CAA के मामले में, जिस दिन राज्यसभा में बिल पास हो रहा था, उसी दिन, उसी रात बाखर फंक्शन हॉल में गुलबर्गा शहर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, मजहबी रहनुमाओं को, जमात के जिम्मेदारों को, प्रोग्रेसिव थिंकर्स की मीटिंग जो है बाखर फंक्शन हॉल में बुलाई गई,
और उस मीटिंग में तय किया गया कि हम सबसे पहले एहतजाज करेंगे, मुस्लिम चौक पर एहतजाज होगा, उसके बाद गुलबर्गा बंद किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के उस एहतजाज ने हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की। वो मिसाल मेरे पहल से नहीं थी बल्कि गुलबर्गा की गयूर अवाम के इत्तेहाद को साबित करने के कारण मुझे गिरफ्तार किया गया। आधा घंटे के अंदर 50,000 से जायद लोग रोड पर उतर आए। अजान का मामला हमारे मस्जिदों तक आ गया है, हमारी मरकजी मस्जिद तक पहुंच गए हैं, जो सुपरमार्केट में है उस मस्जिद तक पहुंच गया। जेवरगी का एक फिरका परस्त पहुंच गया यह ऐलान करके कि मस्जिद से माइक निकाला जाएगा, स्पीकर निकाला जाएगा, हनुमान चालीसा लगाऊंगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हिंदुस्तान की इस तारीख को जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को दर्शाता है। हमारे दलित भाई सुबह सुबह हनुमंत यरसंगी वहां पर उनकी टीम को लेकर मौजूद थे और बेखौफ होकर बगैर किसी झिझक के साथ यह ऐलान किया गया कौन माइका लाल है जिसमें जुर्रत है कि मस्जिद के सामने आकर के लाउड स्पीकर को निकालने की जरूरत करेगा। देखेंगे इसका ऐलान हम जो है मीडिया के सामने करने वाले सुबह से लेकर शाम तक हम वहां पर मौजूद थे। मुसलसिल तौर पर इन 5 सालों में आपने कोविड देखा, कोविड के अंदर रमजान का मुबारक महीना, इफ्तार के लिए परमिशन दिया गया। जब इफ्तार लेने हमारे रोजदार भाई निकलते हैं तो पुलिस कांस्टेबल उनको पकड़ करके फाइन। वॉलेंटियर्स, आरएसएस के वॉलेंटियर्स, बीजेपी के वॉलेंटियर्स वो रोजदार को पकड़ करके फाइन डाल रहे थे। तकरीबन 5,000, कितने 5,000 रोजदारों को जो है जो इफ्तार लेके जा रहे थे उनको गिरफ्तार करके उनको उनकी गाड़ी जब्त की गई। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कहीं पर भी एहतजाज नहीं हुआ। गुलबर्गा शहर के अंदर बस स्टैंड के सामने, बस स्टैंड में पहुंचने से पहले संतराशवाड़ी में, यहां पर अगर कोई संतराशवाड़ी का जिम्मेदार है तो पूछ लीजिए, संतराशवाड़ी पर जाकर के वहां पर सर्कल इंस्पेक्टर के साथ बहस किया हूं। मैंने कहा कि जब इजाजत आप देते हो तब रोजदार घर को इफ्तार लेने आते हैं तो क्या वजह है कि आप गिरफ्तार करते हो। वहां से बस स्टैंड के सामने जाकर के एहतजाज करने का काम, वहां पर धरना बैठने का काम, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोविड के अंदर एहतजाज नहीं हुआ आपके इस भाई ने। सियासत इख्तदार को हासिल करने का जरिया नहीं है। बहुत से लोग सियासत को इतना आसान बना दिए हैं, सियासत को मजाक बना दिए हैं। भाई क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये जाती फायदे के लिए सियासत करना छोड़ दीजिए। आज पूरे जिले की नजर नहीं, हैदराबाद कर्नाटक की नजर गुलबर्गा शहर की तरफ है। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि गुलबर्गा की गयूर अवाम कभी मजबूरी में वोट करने की हामिल नहीं है, खायल नहीं है। यहां के गयूर वोटर्स एक आवाज को कर्नाटक के अंदर देने का काम करते आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस इलेक्शन के अंदर फिर से इत्तेहाद को कायम किया जाएगा। इत्तेहाद हमारे नस नस में है। आज लोग निकले हैं सीट बचाना है,
मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। साफ सीट बचाना है, एक होकर के वोटिंग करना है, बेशक एक होकर के वोटिंग करना है। जीडीएस का वोट बैंक 15,000, कांग्रेस का वोट बैंक 60,000, बीजेपी ली 50,000, फेसबुक पे निकाले तो वोट गुत्तेदारों के सामने जाओ, गुत्तेदार वही बात कर रहे हैं। थोड़े लोगों को, कांग्रेस वर्कर्स को देनी है, समझाओ लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर इकबाल साहब, शिरनी फरोज साहब मौजूद हैं, नैयर साहब मौजूद हैं, जावेद साहब, आतिर साहब मौजूद हैं, 1978 में गुलबर्गा शहर के क्या मामला थे मुझे मालूम नहीं। मैंने सुना है कि मार्केट मस्जिद में कुछ गिलास हत्या की गई, किसी की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, तो खमर साहब वहां पर जाकर के लड़ने का काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के पूरे मुसलमान उनका साथ। आज इस्लामाबाद के इस प्लेटफॉर्म से पहले मीटिंग से मैं उन कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर उस दौर के मुसलमान अगर यही हिसाब किताब करते, यही सवाल करते कि कांग्रेस से तो 5 बार 4 बार मोहम्मद अली साहब जीत के आए हैं, एमएलए हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, बताइए वोट बैंक कहां है, किस तरह से जीता जाएगा, कितना वोट बैंक था मुस्लिम लीग का उससे पहले इकबाल साहब? जीरो, जीरो वोट बैंक से गुलबर्गा शहर के अंदर एमएलए जीतने का काम उस दौर के मुसलमानों ने किया है। ये हमारी तारीख है, ये हमारी पहचान है। और जो एमएलए थे वो खामोश थे उन मामलात में, उनके वोट कितने थे? 2000 वोट सिटिंग एमएलए। आज हमसे पूछा जाता है कि 15,000 है, 60,000 है, कैसे होता, क्या होता? भाई ये हिसाब किताब मैथमेटिक्स का काम नहीं है सियासत। हिसाब किताब करना है तो तिजारत करो, फायदा और नुकसान करो। ये सियासत सदाकत का है, अदालत का है, सुजात का है। तुझ में ना सदाकत है, ना तुझ में ना अदालत है। सियासत करने निकले हो, ये लोग जो हिसाब किताब बताने के लिए आए हैं उनको बताइए तारीख क्या है, उनको बताइए जो आज गुलबर्गा शहर के एमएलए साहिबा है, मोहतरमा है, उनके शोहर गुलबर्गा शहर के अंदर जो इलेक्शन जीते हैं छोटी मोटी पार्टी से ही जीते हैं, बड़ी पार्टी से जीत नहीं हुई है। जो छोटी मोटी पार्टी बोलने वाले वही छोटी मोटी पार्टी से वो जीत के आए हैं। अगर उस दौर में यही हिसाब किताब करने वाले रहते तो मरहूम खमरुल इस्लाम साहब एमएलए कभी नहीं बन सकते थे, आज उनके अहिल्या एमएलए। ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें बड़े प्यारे खेल होते हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर जो हिंदुस्तान के हमारे इलाके के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपसे पूछ रहा हूं कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी? इस बार तो शिकस्त हुई, उससे पहले कितने वोटों से जीत हुई थी? 80,000 से जीत, 80,000 से गुलबर्गा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो गुलबर्गा शहर के अंदर आर्टिकल 371 जेल आए, ईएसआई हॉस्पिटल बनाए, बहुत से डेवलपमेंट काम हुए, उनकी शिकस्त कितने वोटों से हुई? 1,00,000 वोटों से ज्यादा वोट से हुई, और वो भी किसके सामने? कौन था उनके सामने? आज कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कौन है?
उमेश यादव कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी के है उन्होंने? चिंचोड़ी के एमएलए, वो चिंचोड़ी जो गुलबर्गा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं आता, वो बीदर पार्लियामेंट पर। इलेक्शन से 3 महीने पहले 4 महीने पहले इस्तीफा देते हैं, बीदर से गुलबर्गा आते हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर उनको 2 लाख वोटों का फर्क लाने की हिम्मत करते हैं। तो बोलिए, आप आपसे पूछता हूं, मुसलसिल 5 साल आपने उनकी खामोशी देखा है, मुसलसिल 5 साल आपके भाई की जद्दोजहद आपने देखी है, मेरी लड़ाई देखी है, क्या आप 1 लाख वोटों का फर्क नहीं कर सकते? अगर यही मामला होता, हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है हमारी तारीख पर, हमें फख्र है इस बात पर कि हमने 2/3 दुनिया पे हुकूमत की है, हमें फख्र है इस बात पर कि हम अदल और इंसाफ करने वाले हैं, हम ऐसे ऐसे ममालिक पर भी हमने हुकूमत की जहां पर हमको जबान नहीं मालूम होती। हमारे खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 2/3 दुनिया पर हमारी हुकूमत कैसे हुई? एक रेगिस्तान से निकली हुई एक कौम उस दौर के सुपर पावर रूम को शिकस्त देती है। अल्लाह का करम है, उस दौर में ऐसे हिसाब करने वाले नहीं थे, पेपर लेके भी कैसा होता, हमारी आबादी इतनी, सुपर पावर की आबादी इतनी, हमारे घोड़े इतने, उनके घोड़े इतने, जंग में फतेह जीत हासिल होना ये हिसाब किताब पेपर पे नहीं होता, इसके लिए जो चाहिए वो मजबूत इरादा चाहिए, उसके लिए जो चाहिए वो हौसला चाहिए, इसके लिए जो चाहिए वो सदाकत चाहिए, इसके लिए जो चाहिए वो इंसाफ चाहिए। आपके बीच 5 साल मुसलसिल तौर पर 2 बार शिकस्त होने के बावजूद आपके बीच में रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरे वालिद मरहूम सादत हुसैन उस्ताद साहब जो गुलबर्गा के अंदर नहीं बल्कि हैदराबाद कर्नाटका के सबसे बड़े वकील हैं, उनके जूनियर हैं यार संगी साहब, मुझे सियासत में चमचागिरी करने के लिए नहीं छोड़े हैं, मुझे चमचागिरी नहीं सिखाया है, मुझे इक्तदार के लिए कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखाया है। अगर मैं चाहता तो आज शायद इक्तदार में आ सकता था, कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, हाथ जोड़ के खड़े होने पर शायद मुझे भी इनाम मिल सकता था। कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान, जब तक जिंदा हूं गुलामी की जंजीर अपने गले में नहीं पहनूंगा। अगर ये हरकत मुझसे होगी तो मेरे मरहूम वालिद की रूह को तकलीफ होगी, ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे फितरत में झुकना कमजोर पड़ना ये मेरे मिजाज में नहीं। लड़ाई लड़ रहा हूं, बहुत हिम्मत जुटा के लड़ रहा हूं, जो हिसाब किताब तुम्हारे पास है उससे ज्यादा हिसाब किताब मैं जानता हूं। मुझे मालूम है कि लड़ाई आसान नहीं है, मगर जो हालात यड़संगी साहब ने बताए हैं, ऐसी हालात में मैं सियासी समझ रखते हुए, तजुर्बा रखते हुए अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं सियासत में रहने का, मैं आखिरत में क्या जवाब दूंगा?